अच्छा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिसोल ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड एच आई ग्यूस। ठीक है, सबसे पहले तो देखो एनिसोल क्या होता है, ये रहा बेंजीन, ये रहा OCH3, दिस इज एनिसोल। अब एनिसोल को हीट किया गया है कॉन्सेंट्रेटेड हॉट एच आई के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर हॉट एच आई के साथ इसको हीट किया है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। अब ईथर को, ये एक ईथर है ठीक है, अब ईथर को तुम लोग एच आई के साथ हीट कर रहे हो हॉट एच आई के साथ, तो यहाँ पे एक बनेगा अल्कोहल, एक बनेगा अल्कोहल और एक बनेगा अल्कालाइड, एक बनेगा अल्कालाइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तुमको डिसाइड करना है। अब चेक करो, जब तुम लोग एक, पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन बताता हूँ, एक एकदम सिंपल सा रिएक्शन बताता हूँ जिससे हेल्प मिलेगा। CH3OCH3 प्लस एच आई हॉट लेते हो तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है CH3OH प्लस CH3I, ये प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ये CH3 भी सिमेट्रिकल था, ये CH3 भी सिमेट्रिकल था, मतलब वो का दोनों साइड सिमेट्रिकल था, तो तुम लोगों ने किसी के साथ भी अल्कोहल बनाया, किसी के साथ भी अल्कोहलेट बनाया ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक साइड फिनाइल रिंग लगा हुआ है, एक साइड फिनाइल ग्रुप है और एक साइड जो है CH3 है मिथाइल ग्रुप है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा अल्काइल हाइड बनने के लिए। ओके, तो अब तुम लोग चेक करो, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, कौन सा बॉन्ड वीक है चेक करो। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल सी थिंग है ठीक है। तुमको पता है ओ के पास लोन पेयर है, ओके, तुमको ये भी पता है कि यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन रिंग के साथ, और रेजोनेंस कर रहा है मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑक्यूपाई करेगा पार्शियली, जिसके वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड ठीक है। तो जो बॉन्ड वीक है वही ब्रेक होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक होगा और एच आई है, तो सीधी सी बात है तुम लोग ही बताओ, एच प्लस किसके पास जाएगा, ओ माइनस के पास जाएगा, और सी एच थ्री प्लस के पास कौन जाएगा, आई माइनस जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल, प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल प्लस सी एच थ्री आई आयोडोमिथेन। ओके, तो ऑप्शन में देखे रखा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फिनॉल, फिनॉल प्लस आयोडोमिथेन, फिनॉल प्लस आयोडोमिथेन। ओके, क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट एसिडिक कंपाउंड। ओके, लिस्ट एसिडिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करने बोला है ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो देखे रखा है सिंपल फिनॉल, जो सेकेंड ऑप्शन है वो देखे रखा है यहाँ पे बेंजीन रिंग OH, एंड यहाँ पे देखे रखा है CH3। जो थर्ड ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है वो देखे रखा है तुमको फिनॉल, यहाँ पे OH और यहाँ पे लगा दिया है NO2। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो तुमको देखे रखा है OH, OH एंड यहाँ पे देखे रखा है NO2, यहाँ पे देखे रखा है NO2 ठीक है। अब तुमको इसमें से बताना है लिस्ट एसिडिक कौन सा है, तुमको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज लिस्ट एसिडिक। अब लिस्ट एसिडिक का सिंपल सा मतलब है कि कौन सबसे जल्दी एच प्लस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लिस्ट एसिडिक मतलब सबसे कम एसिडिक है, इसका मतलब है एच प्लस नहीं देना चाहिए, कौन सबसे जल्दी एच प्लस नहीं देना चाहिए ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट एसिडिक, सबसे कम एसिडिक कौन है। तो एसिडिटी अगर तुमको कम करनी है, एसिडिटी कम करनी है तो कौन से ग्रुप्स लगाते हो, और एसिडिटी इंक्रीज करनी है तो कौन से ग्रुप लगाते हो ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिडिक कैरेक्टर ठीक है, ये चीज़ समझना। जब भी कोई भी कंपाउंड का तुमको एसिडिटी या तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करना है, जब भी तुमको कोई भी कंपाउंड का एसिडिटी इंक्रीज करना है ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज करना है, तो एसिडिटी इंक्रीज करने के लिए याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाते, हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाते। अगर तुमको किसी भी कंपाउंड का एसिडिटी जो है वो डिक्रीज करना है तो उसके लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं ठीक है। अगर एसिडिटी इंक्रीज करना है तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगाते हैं, और एसिडिटी को डिक्रीज करना है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाते हैं। अब तुमको पूछा है लिस्ट एसिडिक, मतलब एसिडिटी को कम करना है, एसिडिटी को कम करना है तो तुमको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। तो अब चेक करो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये तो NO2 है, मतलब ये विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, ये तो कॉमन मैन है फिनॉल
ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं है, विदड्रॉइंग भी नहीं है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, वो भी पैरा पोजिशन पे है। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना जल्दी से एच प्लस बाहर निकल नहीं पाएगा। ठीक है, वो उसकी बॉन्ड की पोलरिटी को कम कर रहा है। इसके लिए आंसर आएगा सबसे लीस्ट एसिडिक होता है ये वाला, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, अगर इसी जगह पे मैं तुमको और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। अगर सपोज कर लो कभी ऐसा पूछा जाए तुम लोग से, कभी ऐसा पूछ ही लिया गया कि यहाँ पे दिया है OH, यहाँ पे दिया है NO2, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पे दिया है OH एंड यहाँ पे दिया है NO2, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है, इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो आधे लोगों का आंसर रहेगा, सर अभी आपने बताया कि एसिडिटी को इंक्रीज करना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है। ठीक है सर, ओके, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे। अब ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो सीधी सी बात है, अगर ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो सीधी सी बात है, जो जितना नज़दीक है उतना ज़्यादा खींचेगा। लेकिन साथ ही साथ ये इंडक्टिव के साथ साथ मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगा रहा है, माइनस एम भी लगा रहा है, मतलब ये माइनस आई भी लगा रहा है, साथ साथ माइनस एम भी लगा रहा है। सिमिलरली ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस एम लगा रहा है, तो मेसोमेरिक के बेसिस पे तो मैं इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के दोनों मेसोमेरिक लगा रहा है माइनस, और दोनों सेम ग्रुप है, तो वो तो एकदम न्यूट्रलाइज हो गया। इसके बेसिस पे मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब जो जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा खींचेगा, तो ये ज़्यादा खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा खींचा जाएगा उतना जल्दी एच प्लस बाहर निकलना चाहिए, वही अपन ने देखा यहाँ पे। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना जल्दी एच प्लस बाहर देगा, क्योंकि उतनी पोलरिटी इंक्रीज करेगा और एच के बॉन्ड की। ठीक है, मतलब आंसर आना चाहिए था, आधे लोग बोलेंगे सर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरा, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। आंसर है पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एंड रीजन इज कि अगर तुम लोग डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि ये जो OH है और ये जो NO2 है ये एक्चुअली ऐसा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये एक्चुअली NO2 ऐसा होता है, तो ये O और ये H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, जिसके वजह से ये H प्लस आसानी से निकलता नहीं है। ठीक है, इसके लिए इसकी एसिडिटी स्लाइटली कम हो जाती है एज कम्पेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, द रीजन इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो आंसर आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लीस्ट एसिडिक। ठीक है, समझ में आया, आई होप सो समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वापस से देखो वीडियो को वापस से, तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द कंपाउंड इनकेपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंपाउंड इनकेपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। ठीक है, चेक करते हैं। CH3CH2OCH3, ओके। बी दिया है CH3CH2CH2CH3। सी दिया है फिनॉल। एंड डी दिया है CH3CH2CH2OH। ठीक है, कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए तुमको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही एलिमेंट्स दिखाते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो अपने पास ऐसे तीन ही एलिमेंट है जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है, एक है फ्लोरीन, एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन। अगर ये तीन एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लोरीन तो तुमको दिख नहीं रहा, बट ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। यहाँ पे ना ही ऑक्सीजन है, ना ही फ्लोरीन है, ना ही नाइट्रोजन है, तो ये कंपाउंड, ये अल्केन हाइड्रोकार्बन जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा नहीं दिखा सकता। इट इज इनकेपेबल टू शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल दिखाता है ऑक्सीजन है, ये भी दिखाता है ऑक्सीजन है। ठीक है, समझ में आया बी क्यों आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो फ्लोरीन है, ना ही तो ऑक्सीजन है, ना ही तो नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है केस में। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथर्स आर कैप्ट इन एयर टाइट ब्राउन बॉटल्स बिकॉज। ठीक है, पहला ऑप्शन है इथर्स अब्सॉर्ब मॉइस्चर, दूसरा ऑप्शन है इथर्स इवेपोरेट रेडियली,
तीसरा है ईथर्स ऑक्सीडाइज टू एक्सप्लोजिव परोक्साइड एंड चौथा है ईथर्स आर इनर्ट। तो ये रिएक्शन तुमको पता होनी चाहिए, ईथर्स ऑक्सीडाइज टू एक्सप्लोजिव परोक्साइड, ये बेसिक प्रॉपर्टी में देके रखा है ईथर्स का। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी इज द करेक्ट आंसर, ईथर्स ऑक्सीडाइज टू एक्सप्लोजिव परोक्साइड, ठीक है ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट है ईथर्स रिएक्ट विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म, ठीक है ईथर्स रिएक्ट विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट अल्किन अल्कोक्साइड एंड अल्कोहल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ईथर लेता हूँ ROR और इसका रिएक्शन करता हूँ H2SO4 कोल्ड कंडीशंस में, H2SO4 कोल्ड कंडीशन में, तो इसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा बनता है। अब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ओके अब H2SO4 में से कौन रिलीज होगा, H प्लस रिलीज होगा, H प्लस आएगा इसके पास ओके लोन पेयर के पास, तो ये बनाएगा ROR H, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर रह जाएगा और एक प्लस चार्ज आ जाएगा। अब कौन बचा SO4H और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये जो प्लस और माइनस फॉर्म में बना इसको ही अपन बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट, इसको ही बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही दे के रखा है ऑक्सोनियम सॉल्ट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो क्लियर, समझ में आया क्वेश्चंस। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, जैसे एसिडिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी था तो उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में क्या प्रॉब्लम है और क्या ऑर्डर आना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं आया, ठीक है ओके थैंक यू।